ये हमारे भैया गौरी के मूलचंद, जहाँ कहीं भी हो तो हमारे दादा मंच के पीछे बैठे उनके धन। शांति तुम्हारी गरीबी दूर होगी, ये मेरा वादा है, तुम मेरा साथ दो ना। मालिक साथ कहना क्या चाहते? कहने का मतलब है, बार बार कहूँ कि ओठों में लगी हुई लिपस्टिक, दिल करता है जुबान से बलाम बलाम मम्मी से नहीं कभी हरा यहाँ पे शांति और छू। हेलो, ये हमारे भाई साहब अहमद, ये 10 रुपया इस सिर पे खुश होकर के इनाम दे रहे, कहा ठाकुर साहब मजे मजे प्यार करना, धन्यवाद। शांति और छू लेने दो ना झूठ हो तो हुआ नाम हमारे भाई साहब, ये है संजय भुरकरा निवासी, इस सीन पे खुश होकर के 10 रुपए कलम मन इनाम दे रहे, ठाकुर साहब झमक के प्यार होना चाहिए। शांति और छू ले ले दो ना झूठ हो तो, कुछ और नहीं है जाम है, छू ले ले दो ना झूठ हो तो। संजय भुरकरा के रहने वाले हैं, 10 रुपए इस सीन पे खुश होकर के इनाम दिए हैं, और ये 10 रुपए का इनाम हमारे भैया राजिंदर आपको ठाकुर साहब 10 रुपया कलम बन रहे हैं, और कहते हैं प्यार करो तो हमारे बाद उनका नंबर होगा। अरमानो धड़कते सुनाना नहीं मेरे रास्ते से आज चले जाइए, इसका इंतजाम था तो तेरे भरा प्यार है, तेरे होठों पे मत मस्त मुस्कान है, और सर्व की आंख से लड़ गई जब नजर, बोलो इसमें इसका तेरा मुस्कान है, हेलो, ये हमारे भाई साहब अहबरन लाल, अहबरन लाल इस सीट पे खुश होकर के 10 रुपए नाम दिए हैं,
और भैया कहा ठाकुर साहब कायदे से प्यार करो मजा आ जाए। और ये है संजय, संजय भुरकुरा निवासी है, 10 रुपए इस सीन पे इनाम दिए हैं, कहते हैं झमक के प्यार होना चाहिए। ये हमारे भैया सुरेश डॉक्टर यादव, शांति बनाए रखे, प्रोग्राम अच्छा होगा, धन्यवाद। शांति दिन जाएगी तेरी जज्बा पे हयात तेरे ऊपर किए दाद है अपनी हंसन में धब्बा ले दूंगी। छोड़ सकता नहीं आपके बाहो में मेरे समा जाइए आ तेरे दिल को मैं तोड़ सकता नहीं आशु से टकराया भस्मा भस्म हो गया आज तू भी यहाँ भस्म हो जा आएगा दुटुरा मन का घुमाए आई मिट्टी हुआ आज तो भी यहाँ मिट्टी तो तू चलो चलो अपना मंदिर उसे देख लूँ बंद साधन खींचू तेरा तीर है तेरे जो बन जवानी और जवानी का लूटू मजा प्यारी दिल को हमारे नहीं भी है भाई साहब राजेंद्र। ये राजेंद्र भैया ठाकुर साहब आपको 10 रुपए कलम मन नाम दे रहे हाँ। कहा ठाकुर साहब मारो ना धनी नहीं मानेगी नहीं तो मारूंगा बाबा बचा ले भाई बाबा वो चले गए वो जा रहे हरामी मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी खून खून पीना है पियोगी एक बात बताओ कैसा खून पियोगी लाल या सफेद चलो कपड़े उतारो नहीं उतारूंगी उतार भाई साहब राजेंद्र ये राजेंद्र भैया इसी गांव के रहने वाले हैं 10 रुपए इनाम दे रहे कहा प्यार दिखाओ मजा बनाया चलो कपड़े उतारो उतारो कैसी गए कैसी गए देखो कैसी गए कैसी गए कैसी गए कौनी बेल पर गन्ना लगा इडियट कहीं के
हम तुमसे बेल पे गन्ना लगाने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। ओ बुढ़ाऊ, भंडारा चल रहा है, चलो पहुंचो। क्या रहे नौकर, बाबा को भेज, भंडारा चल रहा है, नाश्ता परफॉर्म करें। बाबा बात बस की ना हमारे नौकर। शांति कह रही थी मालिक मुझे छोड़ दो, तो अब मैंने कहा था साली छोड़ना काम तो श्री मार का होता है। कौन सा काम मालिक? क्या रे, एक काम तुझे करना है। कौन सा? कम से कम 4 बाल्टी पानी भरो और लक्स साबुन से स्नान करेंगे, लगाएंगे चमेली का तेल, निकालेंगे अपनी बुलेट। बिल्कुल सही कहा। चलेंगे शहजहानपुर। वहाँ क्या है? अरे रंपा टाकिर में फिल्म बहुत अच्छी लगी है रे, जिस फिल्म का नाम है आज का गुंडा राज। हमने देखी। क्यों रे? दोनों लोग स्नान करेंगे। हाँ। निकालेंगे गाड़ी। बे साले उल्लू के पट्टे बाइक बोलो, दो पहिए का वाहन बोलो। वहाँ वहाँ। और चंद्र कहाँ मर गए? शहजहानपुर। हाँ। नावेल्टी में देखे। नावेल्टी में? हाँ। बहुत अच्छी लगी है। कोई भोजपुरी है? पिक्चर लाग। कोई भोजपुरी है? भोजपुरी देखते नहीं। पिक्चर का नाम है पिनो। और थाना तिलहा जा रहे हो, अगर तुम्हें बदनाम ना कर दिया तो मेरा नाम शांति नहीं। बोलो शांति। जा रहे हो? शांति कुछ गर्मी शांति भाई नहीं, ससुरी उल्लू पट्टी शांति पटिया। थाना तिलहर जाओगी? जाओगी। या तिलहर गली गली कूचे कूचे में बदनाम कर दोगी? तो एक काम करो, ठाकुर धर्म सिंह तुम्हें इजाजत दे रहा है, तुम पहुँचो थाने पहुँचो। जाओ जाओ। तुम लोग जानते हो थाना कहाँ क्या है? अत्ता पढ़े लिखे नहीं हो तो कहा जानो थाना कहाँ क्या है? थाना ये तिलहर कहा है। आई एम चौकीदार। ओ थाना मोहली नरी पर गांव पर बाती पिसाला हो गई ना हो पर बाती पिसाला। थाना मोहली नरी पर गांव पर बाती पिसाला हो गई ना चलना पीना मोहे नींद ना आवे चलना पीना मोहे नींद ना आवे नौकी माँ सबरे बाप हो गई ना हो नौकी माँ सबरे। ये कौन से तराने कौन से गुलछर्रे तुम उड़ा रहे? ये थाना है कि कोई रंडी? हेलो, ये हमारे भैया संजय भुरकुला निवासी है। हेलो चौकीदार के बढ़ो सामने देखो टास लिए बैठे भैया। ये 10 रुपया तुम का दे रहे? कहते मजा आ जा चाहिए चौकीदार। धन्यवाद संजय दादा, बैठ रहो मजा बिल्कुल है। यू पता नहीं कत्ते खाना है। अरे ये थाना को रंडी खाना है? ये सब थाना है। चढ़ रहा है बिना मोहिनी इंद्र ना आवे।
थाने में अकेले थे, इसलिए हमने सोचा कुछ मनोरंजन कर ले। क्या रे? जी साहब, पहले को नजनिहारा। हेलो, ये है महावीर। ये महावीर तुमका चौकीदार 10 रुपया कलम मन इनाम दे रहे। काहे दे रहे? वहां पहुंचो। कहते हैं जौन गाना बहे तुम गा रहे रहो, यह गाना दोहराओ। भैया, ये सीन चल रही, कोई फरमाइशी की तो नहीं हो रहे हैं। चौकीदार? हाँ साहब। तुम ही चौकीदार हो? यस सर। अभी हमारे नाम से वाकिफ कहाँ हो? तो साहब, हमारा नाम सुन के चोर बदमाश गुंडा गांव छोड़ को शहर को भाग गया थे रिक्शा चलाने तेल लगा के। क्या रे? यस सर। चौकीदार जी साहब, किस बिरादरी के हो? साहब पसिया हन पसिया। तेरे जिस थाने में जाते हैं, जिस चौकी में जाते हैं, हमको जो चौकीदार मिलता पासी मिलता है। साहब ये नौकरी पासी लोगों की होती है। इसका मतलब चौकीदारी की नौकरी पासी बिरादर की होती है। जी जी जिन्हें बहनी भाड़ी एक बार बोला करो जी, समझे? साले डबल कर देते जी जी हो जाता तेल लगा के। सारी साहब दुल्हन साहब बताओ इकट्ठे कुरई देते हो? समय बाबू जो कट्ठे को रबत है। क्यों चौकीदार? यस सर। ये तुम बता सकते हो कि तुम कौन पसिया हो? साहब हम निर्वंशी पसिया। क्यों रे, ये निर्वंशी कौन होते? नहीं सर, राजवंशी। तो राजवंशी पासी को तुम भोंसड़े की निर्वंशी बता रहे हो? साहब अरबरे में निकल गवा। अरबराने की क्या बात है? हमसे जो भी बात करना सुन ले, मैं अपनी बात करना, समझे? यस सर। यस सर, धीमे से कहा करो। यस सर, पहले तेल ले कहा कर सर हो गया। चौकीदार जी साहब, ये चौकीदारी का धंधे करो? साहब चौकीदारी करे थे हमका 90 साल। अरे माय गॉड, 90 साल? यस सर। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 26 साल। सड़ी के तुम्हारी उम्र 26 साल की, नौकरी 90 साल कर रहे हो? साहब आप समझ नहीं पाओ, समझाइए। साहब पहले हमारे बाबा करते रहे चौकीदारी। हाँ तो ऐसे बताओ, जब बाबा रिटायर हो गए तो बप्पा करे लाग ड्यूटी। हाँ तो ड्यूटी के नाम नहीं ले पाते हो? साहब जब बप्पा रिटायर हो गए तो हम करे लागे। वो तो कुल मिला तुम्हारे घर में जब से चौकीदारी की नौकरी आई तब से बता रहे हो? यस यस। हेलो, हाँ फिर भाई वही सूचना है, हमारे भैया डॉक्टर सुरेश यादव का कहना है, जो इधर उधर खड़े भैया बैठ जाओ। भैया तुम्हारा गाना देखो चौकीदार, अब नहीं कोई गाना नाच नहीं होता जो गावे, जितनी बात कहा करो कह दिन धन बात। चौकीदार तुम ये नहीं जानते हो कि हम किस जमाने के हवलदार हैं। साहब तुम कौन जनाने के आ रहो? जनाने के नहीं, मेहरुआ के आ रहा। हम जमाने के, हम उस जमाने के हवलदार हैं। किस जमाने के? जब आदमी खात रहा जौ बेझरा, तो तब आदमी खूब रहा लंबा, खूब चौड़ा जी साहब, खूब जबर। यस सर। तुम मेहरुआ रहते रहे कबर। बिल्कुल सही कहा। अब तो आदमी खा ला चाय बिस्कुट, तो अब आदमी होगा भुट्टा, तो मेहरुआ बाजार में घूमते छुट्टा। बिल्कुल सही कहा साहब। चौकीदार। यस सर। बड़े साहब कहाँ गए? रिवानी के साहब। हैं? साहब एक बात पूछे। क्या पूछना चाहते हो? अपन नाई दे हो? हमारा नाम नहीं जानते हो? नो सर। अरे हमारा नाम है अर्रा बोर। अरे अरे तो क्या हो गया तेल लगा के? अर्रा तोर। अर्रा तोर नहीं गन्ना तोर भौसड़ी करी। अर्रा बोर हवलदार। यस सर। अर्रा बोर होलदार। होलदार नहीं गड्ढादार। अर्रा बोर हवलदार उर्फ तोड़े। जी साहब। अर्रा बोर जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। यस सर। चौकीदार। यस सर। बड़े साहब कहाँ गए? रिवानगी पे। ओ बड़े साहब रिवानगी पे हैं। यस सर। थाने में तुम अकेले हो? जी सर। तो तुम एक काम करो, करवाओ। करवाई पॉइंट छोरी तो मजा आई जाएगी। पटक पटक मारे के भौड़ी तेल लगा के हम करे। एक काम करो साला, कह रहा करवाओ। चौकीदार। यस सर। तुम्हें क्या करना है? क्या करना साहब? तुम हमारा दिल बहलाओ। दिल का कोई रंडी वंडी आन का? कोई रंडी वंडी आन? चौकीदार अगर मेरा दिल बहलाएगा
मुझे खुश रखेगा तो हम बड़े साहब से बात करके हम तुम्हारी बढ़वा देंगे। साहब यह लो नौकरी, वक बुरी नौकरी की, हम कंडा बेची खाई ले, हमारी जतनी है, हमका वत्ते में आराम है, हम बढ़वाई पा नहीं। अरे चौकीदार सुन, अरे सुनो, अरे चौकीदार तुम घबरा रहे हो, हम बड़े साहब से बात करके तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा देंगे। तनख्वाह तो साहब तनख्वाह का नाव लियो, हम कहीं का बढ़वाई दे हो, तेरी तनख्वाह बढ़वा देंगे। अगर तू मुझे खुश रखेगा हम तुझे पैसे वाला बना देंगे, पैसे वाला। ये बात है मेरा दोस्ती कहाँ था? दोस्ती कहाँ? यशर चल मिला क्यों रे? आगे के हाथ क्यों घिरता है? साहब पक्की दोस्ती होती है, गंदल बात है तेरी, मेरी दोस्ती पक्की। यशर चलो तो ये क्या बताने। हेलो, ये हमारे भाई साहब अहबरलाल, ये अहबरलाल भैया चौकीदार दसवें कलम मदिनान दिन है, कहतरी आंकदा सुनाई दो जेल खनवा में भाई ससुराल। और ये सुंदर प्रधान जी का भाई कहना है, भैया कतरे दाई बाला का दद्दू हो रहे, तुम बैठ जाओ है, और बार बार भी बुलवाए रहे धनबाद। अगर मर्द हो तो बैठ जाओ, मर्द हो तो ठान रहो। चौकीदार या शर चल सुना साहब, बैठो ई पर। हम बैठे ई पर लगुना में। ये फिर वही साहबा नाम अहबरन लाल, ये चौकीदार धराओ पछालत का है, जब अहबरन लाल तो कहा पछाल लागत, दस रुपया फिर नाम दीने, कहा तनी आकर सुनाई दो जेल खनो में मोर ससुराल। साहब चल फरमाइश पूरी कर दे। यस सर। सुना ओ जेल खनवा में मोर ससुराल अदालत दिबा थोड़ी भई, जेल खनवा ही भी होते हैं। बस बस बस, ये थाना है या सर? कोई लंडी थाना नहीं है। ओ सर, और हम जो चाहते हैं जी साहब वो तुम सुनाओ। कौन सा? अरे अपने मन पसंद का सुना। बैठो साहब। साहब देखे रहे बड़े साहब, वो जब से सिपाही से बता रहे होलदार हो। अरे सुना घेघरिया माँ आलू ढूंढे, घेघरिया माँ आलू ढूंढे, बैजू कुम्हार हो थे मनोरंजन और थाने के अंदर साहब बड़े साहब कहीं नहीं। चुप, ऐसा मनोरंजन हो रहा था रे। और लात मारूंगा घुट यहां रे। क्या हो रहा था ये सब थाने के अंदर? साहब ये अपना चौकीदार जो है ना, इतना गजब का मनोरंजन सुनाता है, इसके मुखारबिंद से मनोरंजन सुन लीजिए तो पूरे शरीर की थकावट दूर हो जाती है। तुम अपने शरीर की थकावट दूर कर रहे थे? यस सर। मनोरंजन हो रहा था रे, चलो भाई मनोरंजन सुनाओ, नहीं मारेंगे। सुना दे। ओ जब से सिपाही से
सिपाही से पहले होलदार हो ए हो का हो भेघरिया मा आलू ढूंढ है भेघरिया मा आलू ढूंढ है पैचो कुम्हार हो है ये मनोरंजन सब थाने के अंदर होते हैं कब आज के बाद थाने के अंदर कोई भी मनोरंजन हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा नहीं होगा साहब आज के बाद कोई मनोरंजन होगा ही नहीं नहीं होगा और सब थाने का समाचार ठीक है सब्जी है मूली है गाजर है धनिया है प्याज है लहसुन है टमाटर है गाजर है अदरक है अजवाइन है कौन पूछा हमने पूछा है थाने का समाचार अरे वो थाने का समाचार पूछने वो खाने का बता रहा है साहब थाने का समाचार एकदम ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साहब सब ठीक है एकदम बिल्कुल ठीक है साहब आने का समाचार सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है जाओ जीडी फाइल लेकर के आओ बढ़िया साहब चौकीदार जाओ जीडी फाइल लेके आओ साहब मांग रहे हैं जाओ जल्दी लेके आओ ये अधिकारी कड़क है अब इलाका सुधर जाएगा कहाँ रह गए रे ये अपना डांट खाता है मेरे को भी डांट खिलाता है आज तक कोई अधिकारी हमको डांट नहीं पाया था लेकिन इस चौकीदार की वजह से हमको डांट खानी पड़ती है जो तो अभी तक जीडी फेल लेके नहीं आया है नहीं डांटे जाएंगे तो पर नहीं डांटे जाएंगे लग रहा ऑफिस का पल्ला बंद होगा साहब वह दूर रहे अच्छा अच्छा तो स्कूल लगाए तब चढ़े तब खोले तब पकड़े तब लाए स्कूल बता रहे स्कूल हाँ वहा है वहा है साहब आप दही दे जाए अरे इसका को नाम है जो भी बड़ा अधिकारी आता आप ही देते हो हाँ अरे तो रजिस्टर का नाम ले लेन करो आप ही देते हो आप ही देते हो ऐसे कहियो तो लोग शंका कर रहे हैं तुम डरते हो हम नहीं डरते लाओ हम दे देंगे इसमें डरने की क्या बात है रजिस्टर दे कहाँ गए क्या हुआ रे सो रहा है सो रहे रहा और क्या कर रहा है साहब हम सोच रहे थे सोच रहे हो जी साहब क्या सोच रहे हो हम साहब ये सोच रहे थे कि बकरी के लिए प्याटम लेड़ी कौन बना हुआ थे क्या बता तो आज तक तुझे थाने में किसी ने बताया नहीं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है नहीं किसी ने बताया नहीं इसको ठीक है हम बता देते हैं साहब बता रहे हैं हवलदार एक काम करो बोलिए साहब जो थाने में अपना भंडरिया है ये सर उससे जाकर के बोल दो तीन दिन तक इस चौकीदार को खाना और पानी कुछ नहीं देगा बोल देंगे ठीक है ठीक है और वो दूर पेड़ काहे का दिख रहा है वो साहब कूलर का है कूलर का है साहब उसमें से ढेर सारे पत्ते तोड़ रहा हूँ ये सर और इस साले पत्ते में चौकीदार को खिलाओ खा देंगे और इसे पानी पिलाओ ये सर जब पत्ते खाएगा पानी पिएगा पागुर करेगा तो पीछे से खुर 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 सभी लेड़िया गिरने लगेगी इतना ही नहीं था जब एक पत्ता खिलाएंगे तो उसी पत्ते खाते समय एक अंडो बकरा छोड़ देंगे तो अंडो बकरा इसको सिखा देगा कि बकरी लेड़ी कैसे बनती है पहला बवाल करता साहब सामने उल्टी सीधी बातें करता अब पता चला कि लेड़िया कैसे बनती है समझ गए और सब ठीक है हाँ सब ठीक है साहब बिल्कुल लेकिन हवलदार साहब फाइल का मैं जो भी पन्ना पलट कर देख रहा हूँ ये सर ये डाकू शेर से
ये अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अरे वाह, ये डाकू शेर सिंह कोई मामूली डाकू नहीं था, बहुत ही खूंखार है, तहलका मचिया रखा है, नाक में दम कर रखा है। साहब, हम पुलिस जवानों को कमी होने के नाते हम लोग गिरफ्तार करने जाते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाते हैं। झूठ बोलता है कि मैं गिरफ्तार करने के लिए जाता हूँ और नाकाम हो जाता हूँ। जाता हूँ थाने में बैठ करके मनोरंजन करता है और कहता है मैं डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जाता हूँ, तो करने में नाकाम हो जाता हूँ। तई तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ चौकीदार, तू एक काम कर, अभी भी जो नई नई पोस्ट में इंस्पेक्टर शेखर आया है जी साहब, जाओ शेखर से जाकर के कह दो कि बड़े साहब ने तुम्हें फौरन याद किया है। यस सर, आइए सर। शेखर साहब, आपको बड़े साहब ऑफिस में याद किया है, शीघ्र ही पधारे। अचानक बुलाने का कारण जानना चाहते हैं सर? तो क्यों बुलाया है मुझे साहब अपने पास, साहब अपने पास। राजा दिल बतलाइए जो बात हो, आइए जो बातें हो। हेलो, ये हमारे भाई साहब अहिबरन लाल, ये अहिबरन लाल इस सीन पे खुश होकर के 10वें कलम बंद इनाम दिया भाई साहब के लिए, धन्यवाद। अचानक बुलाने का कार्य जाना चाहते सर? तो कौन शटल और शेखर तो बादल, कौन तुम आ गए, वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है, उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ ही साफ करिएगा। हेलो, ये हमारे भाई साहब संजय, ये संजय भैया भुड़कुला के रहने वाले हैं, इस सीन पे खुश होकर के 10वें कलम बंद इनाम दिया भाई साहब के, धन्यवाद। कौन शेखर? सर, जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ का क्या समाचार है? जिस इलाके से आ रहा हूँ उस इलाके की आप जानकारी करना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे। अरे शांति का और शांति का बचता नकारा और चारों तरफ सरकार,